अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है एहसन रज़ा और यह है मेरे छोटे भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा। हम दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, दोनों डायरेक्टर्स हैं, फैमिली ओन्ड बिज़नेस है। मुजफ्फर सन्स के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। ये दो कनाल का घर है जिसके अंदर हमने चार पोर्शंस बनाए हुए हैं, और इक्वल पोर्शंस हैं जिसके अंदर 1.5 टन्स के एयर कंडीशनर्स हैं, और बाकी जो नॉर्मल आइटम्स होती हैं फ्रिज, टीवी, डी फ्रीज़र्स वगैरह। और नॉर्मल कंजम्पशन हमारी पूरे घर की आती है, ऑलमोस्ट जो पीक बिल आता है वो अभी तक आया है 150,000। और असल प्रॉब्लम एक्चुअली बेसिक यह थी कि हमारा हर साल इतना बिल जो है ज़्यादा आ रहा था। मैंने सोलर पे अपनी वर्किंग स्टार्ट की लास्ट ईयर अगस्त में। मैंने जो है मेरे ख्याल 13 या 14 वेंडर्स से पता करवाया, सारों के डिफरेंट रेट्स थे, डिफरेंट पैकेजेस थे, जिसमें हाइब्रिड भी थे, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड सारे थे। फिर वालिद साहब के दोस्त ने रेकमेंड किया कि ई क्यूब जो है आप उससे पता करें, तो इनका जो है मुझे ई क्यूब के रेट्स और इक्विपमेंट जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि बाकियों के रेट्स थोड़े ज़्यादा थे लेकिन इक्विपमेंट सेम था, तो मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं लगा कि हम किसी और के पास जाएं। और जैसा कि रेट्स रीज़नेबल थे तो हमने ये जनवरी में जाके फ़ैसला किया कि जनवरी 2021 में कि हम ई क्यूब से ही लगवाएंगे। डील किया था ई क्यूब के अंदर वो फ़हीम एजाज साहब हैं जो MD हैं, उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया पहले कि ये होता क्या है। लोगों को एक्चुअली रीच आउट करना अलहदा बात है, लेकिन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना जो है वो एक बिल्कुल अलहदा से टॉपिक है, क्योंकि हमारी मेरे ख्याल 60% आवाम जो है वो ऐसी है जो काफ़ी स्ट्रगल करती है, क्योंकि बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और इनकम जो है वो बहुत कम है। कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो उनके होता है कि जैसा कि इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनके ऑटोमेटिकली जो हैं वो हैवी मशीनरी यूज़ होती है, बिल्स उसी हिसाब से आते हैं। अब उनके पास एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से उनके लिए जो है वो जगह अवेलेबल होती है जिसके ऊपर वो लगा सकें। अब जैसा कि नॉलेज बढ़ रहा है इसके बारे में, अवेयरनेस आ गई है लोगों को, तो ये इस तरफ आना शुरू हो गए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अगर ये काम करना शुरू हो जाता है तो हमारे जो कंट्री की नीड्स हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। हमने जैसा 30 kW लगवाया था, हमारा लार्ज सेटअप है घर का, वो कवर हो जाता है। तो जो 30 kW के ऊपर जो हमारा बिल आता था 1.5 लाख, ठीक है, आप इसको अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में करें तो उनका जो है वो 2-3 million सिर्फ बिल होता है, वो कवर जब आप करते हैं। एनर्जी जो यहाँ पे यूज़ होनी थी वो बाकी कंट्री जो है वो जो यूज़ कर सकती है। मेरा जो 30 kW का सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उसके ऊपर जो प्रॉमिस यूनिट्स हैं वो हैं आपके अराउंड 118-115 पर डे। और जैसा कि पाकिस्तान के अंदर समर्स के अंदर जो है 14 hours का जो है डे टाइम होता है, तो वो ऑलमोस्ट एक्सटेंड कर जाते हैं अराउंड 190-200 यूनिट्स। जो प्रोडक्शन है जो मुझे प्रॉमिस की गई थी उससे तो बहुत ऊपर आ रही है, और जिसकी वजह से हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि अच्छा अब ये ऑन करना है या नहीं, इसके ऊपर हमें ध्यान करना है या नहीं। तो 6,000 यूनिट्स पर मंथ जो है वो ऑलमोस्ट प्रोड्यूस करता है समर्स के अंदर मेरा जो 30 kW का सिस्टम है इंस्टॉल हुआ है। तो अराउंड 120,000 रुपीज़ का जो है बिल यहीं पे ही कवर हो जाता है हमारा। ई क्यूब को ऑप्ट करने का मकसद मेरा ये था क्योंकि फ़हीम एजाज साहब जो MD हैं वो ख़ुद आके जो है वो हमेशा मिलते थे, बात करते थे, उन्होंने हर दफ़ा जो है वो यानी डायरेक्ट कांटेक्ट मेरा उनके साथ था, मेरे किसी और पर्सनल के साथ नहीं था, जो मुझे जैसे कहते हैं ना मिडल मैन जो होता है या फाइनेंस का हो गया इस तरह, उनसे डायरेक्ट मेरा जो रबता था, इस वजह से जो है ये थोड़ा बेहतर लगा मुझे। हमारा मेन मकसद सोलर लगवाने का ये था, एक तो बिल्स सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में बिजली का, 1.5 से 2 लाख रुपया बिल आना सोलर की वजह से एक्सट्रीमली, उसके अंदर हमें एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव एक चीज़ मिली है। हमारा 60-70% आप कह लें कि बजट उसके अंदर कम हो चुका है बिल्स का सोलर की वजह से, प्लस इसके अपने एनवायरमेंटल भी फ़ायदे हैं, हम सारों को मिलके करना चाहिए। एक आपका जो ग्लोबली वेदर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अब एक एक्चुअल ट्रूथ है ये जिसको लोग डिनाई भी करते हैं, हमें उसके अंदर हेल्प आउट कर लेनी चाहिए। जो रिसोर्सेज यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारी दुनिया उससे नुकसान में आती है,
आपको भी हमको भी मिल के इसके ऊपर करना चाहिए कि भी अपना मुल्क किसी तरीके से हम बेहतर करें। ग्रीन एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट भी इवन इंसेंटिव्स दे रही है, सपोज इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं है, आप इलेक्ट्रिक कार्स लेके आते हैं उन पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं है, आपका जितना सोलर का इक्विपमेंट है आई डोंट थिंक उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी कोई आती है, ना ही आपको यहाँ पर कोई टैक्स लगाना देना पड़ता है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप सोलर की तरफ जाएँ, उसको इस्तेमाल करें। आपके लिए उन्होंने पैकेजेस रखे हुए हैं डिफरेंट हर बंदे के हवाले से, जिसको जो अच्छी सहूलत इजी लगे सबसे। अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, लोगों ने काफ़ी बड़े सेटअप्स लगाना स्टार्ट किए हैं, 1.5 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट स्ट्रेंथ लोगों ने सेटअप लगाना स्टार्ट किए हैं, एक अच्छी अप्रोच आना स्टार्ट हो चुकी है। हम भी अपने क्लाइंट्स के साथ जब भी डील करते हैं उनको एक ये रिकमेंडेशन लाजमी देते हैं कि जनाब आप सोलर के बारे में सोचें या एटलीस्ट उसकी प्रोविज़न रखें फॉर द फ्यूचर। एक तो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, प्लस इंडस्ट्रियल के लिए जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जितनी कंजम्पशन है उसकी, उसको कम किया जाएगा। तो आपके मुल्क के जो वो लोग हैं जो नीडी हैं, जिनको वाकई ज़रूरत है, जो लोड शेडिंग से जिनका नुकसान होता है वो लोग पूरे होंगे, उससे उनका फ़ायदा होगा। इससे एक साथ मिल के ही एज अ ग्रुप, एज अ टीम, एज अ नेशन अगर हम चलेंगे तो फिर ही फ़ायदा है इसके अंदर। मैं इक्यूब सॉल्यूशंस को आपको भी रेकमेंड करूँगा, अपने पर्सनल क्लाइंट्स और दोस्त यार उनको भी रेकमेंड करूँगा, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जिनके ओनर, जिनके हेड्स खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं क्लाइंट्स के साथ। उन्होंने अभी हमारे घर पे भी जो सेटअप लगा इसमें काफ़ी हेल्प आउट की, काफ़ी टाइम दिया अपना वैल्यूबल। तो मैं तो आपको वही रेकमेंड करूँगा, एक ऐसा बंदा जो आपके मसले को समझ सकता है, आपको खुद डील कर रहा है, किसी बंदे पर छोड़ नहीं रहा आपको।